जब दिए बैठते हैं ना तो बिल्कुल एकदम सीट आगे करते हैं, तो मुझे गाड़ी में बैठने में थोड़ी दिक्कत होती। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द व्लॉग। मैं और दिया भी जा रहे हैं मासी जी के घर, क्योंकि उनके घर श्राद्ध है तो वहाँ पे जाना है। उससे पहले हमें रास्ते में जो कल स्पेक्स दिए थे वो पिक करने हैं, तो सबसे पहले अगर देखते हैं स्पेक्स बन गए हो तो पिक कर लेंगे, अगर नहीं बने हो तो वहाँ पे सीधा फिर मासी के घर चले जाएंगे। तो यार ये कैप ऊपर बज रही है तो खोलनी पड़ेगी मुझे, स्टाइल खराब हो गया मेरे साथ। एसी लगा है या मजा आ रहा है थोड़ा सा, चलो आपको आगे दिखा देंगे कितनी तपती गर्मी है। हम अभी पहुंच गए हैं मासी जी के घर पे, तो वो हमारा बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं कब से। डेढ़ सौ रुपये लेगा क्या पूछ रहे थे आप उससे? स्पेलिंग, स्पेलिंग के एस पी ई कुछ तो आता है। मैं जवाब नहीं देता यार, मतलब मैं किसी का जवाब नहीं देता। अरे बोला किसी का जवाब नहीं, मोबाइल के तो आते होंगे। मैं किसी का जवाब नहीं देता, पता नहीं कुछ होता ही नहीं है। असलियत तो ये है कि तुझे स्पेलिंग ही नहीं आते। आज ठीक फटने वाली हालत होगी मेरी। अभी देखते हैं कि जो जो छोटा डेविल है वो क्या कर रहा है। लुक एट द स्मॉल डेविल। मेरी गेम इंस्टॉल हो गई है, खेले मेरी गेम इंस्टॉल हो गई है। आपको पीटना भी है वैसे। हां मेरी गेम इंस्टॉल हो गई है तो वन ऑन वन कस्टम मेरे में चल जाएगा। हां इनवाइट कर दूंगा मैं। यार तेरी मम्मा ने इतना खाना खिलाया मेरा पेट फट गया। अब तू मत पेट फाट मिला गई मेरा। कहाँ कहाँ से गोली बजी ये सोचो। ये आपको एक ब्लॉग में आता है जब ये मेरे लिए आइसक्रीम लेके आया था और अल्पिनो का भी पीनट बटर दे रहा था मुझे। पिघल जाएगी यार, जल्दी खाओ। आपको अल्पिनो का चखना वो पीनट बटर आपका। कौन सा कार्टून कैरेक्टर पसंद है तुझे? क्या बता, नहीं कार्टून में कौन सा? क्या बता, आयरन मैन टाइप या? मुझे कोई भी पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है? डोरेमोन? कोई नहीं। शिनचैन? तो शिनचैन तो मुझे बोलते हैं। जल्दी आओ बैठे थे उसमें कह रहे थे हेलो गाइस हम ये खाते हैं। अपलोड करनी आ गई, ये तो बहुत बड़ा झूठ मारा है। तू फेमस होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी तेरे पास आएंगे। कहाँ आएंगे? अपने अगर मैं करवा दिए तेरे कल तक तो मुझे चाहिए। मेरे 75, तेरे कितने हैं? मैंने अपनी मेहनत से करने। बताना कितने? मैंने भी अपनी मेहनत से ही की है। मेरे बड़े कम है। कितने? तीन। तो मैं 75, अगर मैंने 55 करवा दिए तो डरवा लो। तो भाई मैं इसके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जो भी है करता है उसको सब्सक्राइब। थोड़ा सा छोटू सा बच्चा है हमारा, इसके अभी एक सब्सक्राइबर है, और कम से कम 10 तो करवाओ, इसके 50 करवाओ किसी तरह, और आपको माता रानी अच्छी खुशखबरी देगी। ये देखो आपका व्लॉगर, व्लॉग करने के बाद ऐसे लेटा रहता है जैसे इसने पूरे फौज के वो कर दिया हो काम, जंग जीत के आए हो जैसे। तो भाई अभी बस यहाँ से मैं फ्री होता हूँ, फ्री तो हो गया हूँ मैं मोस्टली। ये बस अपने इसके साथ लगा हुआ था, छोटे टेडी बियर के साथ छुप के बैठा है। अभी दी को लेता हूँ, चलते हैं आप शॉप पे, वहाँ पे स्पेक्स लेने हैं, देन बुआ के घर चलेंगे। वो शिट गिर गया। ये देखो दिख भी गया। नहीं गया। ये देखो मैंने इसको पकड़ लिया गाइस, ये देखो अभी ये इसकी वीडियो कल वायरल हो जाएगी यूट्यूब पे, एक छोटा बच्चा बड़े बच्चे द्वारा मार खा टूटा गया। ये देखो अभी भाई ये डिशम डिशम अब डिशम
ये तो मेरे पास ये भी है, ये देखो पकड़ा मैंने। भाई मैंने इसको जकड़ के रखा है, ये देखो। टाई भी है ब्लॉग में पिलो वाइट। ये देखो ये पता मेरे मुंह पे पिलो मार के आया सारे ये आपने कम मारे। कुछ ज़्यादा एक्सेस गर्मी हो गई है यहाँ पे। तो भाई मैं कब से दी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है तो उनको कॉल नहीं कर सकता, तो हॉर्न तो दबा सकता हूँ। तो दी जा रहे हैं अभी स्पेक्स वाली दुकान पे। ये देखो कल हम यहीं पे आए थे इस शॉप पे, तो ये अभी जाएंगे यहाँ पे। क्या ढूंढ रहे हो अपना मास्क? अरे मास्क ढूंढ रही थी, मास्क कौन सा मास्क ढूंढ रहे हैं। तो भाई ये रही हमारी कुछ लुक नए नए स्पेक्स के साथ, ये मेरा है और ये दी का। अच्छा लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है मेरा। और दी के ऊपर तो ये काफी सूट करा था, मैंने इनको कल ही बोल दिया था। तो मुझे इन्होंने ये बुलाया तो मैं घर वालों के भी रिएक्शन देखूंगा, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं, दी को मैं छोड़ूंगा उनके फ्रेंड के घर और फिर मैं जाएगा। वो कल उसको बुला रही थी, मैं देखता हूँ। लेकिन अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ मैक्सिमम कि मैं घर, ओ यार इसमें तो धुंध जमने लगी है, बड़ा मुश्किल होता है चश्मे वालों के लिए। तो नहीं पता जब कुछ खाना वाना बनाओ ना तो ऐसा होता है कि इसके पास वाइपर हो तो वो वाइपर ऐसे ऐसे करके हमारा साफ कर देंगे। अभी हम चलते हैं क्योंकि हम पागलों की तरह नोवेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर खड़े हुए थे सिर्फ ये स्लो मोशन लेने के लिए और आपको बताने के लिए कि स्पेक्स कैसे लग रहे हैं। अपने साथ मुझे भी ले लिया, बोल रहे मेरे साथ मेरे फ्रेंड के घर भी चल। तो मैंने स्पेक्स ले लिया और स्टाइल मारने में भी जा रहा हूँ साथ में। अभी तो फ्रेम में अच्छा लग रहा है वैसे फ्रेम दोनों को, दोनों भाई बहन लगे स्पेक्स वाले। कौन सा ये वाला वाइट वाला करा? ये वाइट वाला करा? इससे भी आ गया ये वाला, बोल रहा हूँ ये वाला। आम तो फ्री यहाँ से, मैंने दी को बोला आप उन्हीं के घर बैठो क्योंकि फिर वो दी को छोड़ देंगे। और मैं चाहता हूँ मुझे शायद अभी बार्बर के पास जाना है, बार्बर के पास जाना है। तो बस मैं अभी चलता हूँ, देन प्लान था कि बुआ के घर जाने का, लेकिन फिर आज दी यहाँ पे हैं तो अभी नहीं जाया जाएगा, तो घर ही चलते हैं। वैसे भी उनके घर घर हमने कल जाना तो है या। तो अब कोई घर वाले गेट खोलने तो आएंगे, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कि वो मतलब कि चश्मे में मुझे कैसा रिएक्ट करते हैं, कि कैसा लग रहा होगा, तभी से फिर पता लगेगा ना कि मतलब कि अच्छे लग रहे हैं, सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखो हंसे 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 कैसा है मॉम, तो डज लाइक द लुक। पापा से पूछते हैं अब कैसा लगता है। तो दी लाइक इट, मॉम लाइक इट, पापा ने भी लाइक किया, तो सॉर्ट ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। और मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे पे कोई लेंस सूट करेगा, लेकिन सूट किया। और ये बड़ी इशू है यार इसका, ये धुंधला हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे चश्मा पहनने की आदत नहीं है,
तो अभी मेरे आंखों के आगे फॉगी फॉगी से हो रहा है और मुझे लेंस भी फॉगी दिख रहा है। तो ड्रू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि हाउ डज इट लुक रईस आ रहा हूँ मैं। इट लुक्स लाइक रईस वाला चश्मा ना, नॉट लाइक अ प्रोफेसर वाला चश्मा नहीं है ये रईस वाला चश्मा, क्योंकि उसमें ये फ्रेम वाली डंडी कुछ ऐसी थी। तो भाई आई डोंट थिंक कि आपने अभी तक गाना ये सुना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन अभी मैं फिर से रिपीट करूँगा कि एक बार इस गाने को सुनना ज़रूर, क्योंकि ये योहानी इसका एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट मुझे बड़ा खतरनाक लगा यार। मतलब ऐसे क्यूटेस्ट एक्सेंट बोलते ना जिसको, कि हिंदी बोलने की कोशिश करना। और वंस अगेन दिस सॉन्ग इज अ मस्ट वॉच, और इसका जो ओरिजिनल ट्रैक है वो भी बड़ा अच्छा है, तो उसको भी आप सुनना, उसमें मोहित रहना अपने महादेव। ये देखो क्या हो गया, अभी मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट को अंदर पुश कर रहा था और ये सारा बड़ा दर्द हो रहा है। मामा ये देखो क्या हो गया, निकालो माँ, बड़ा सा दर्द हो रहा है यार, ये निकलेगा भी नहीं मेरे से खुद। शिट यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो बड़ा दर्द हो रहा है। मैं पहले यहाँ से वो धो लेता हूँ ना इसको। ब्लॉग बन रहा आपका, मैंने डाला था ना एक बार, मेरे को छिड़ चुकी थी, मैंने दूसरी बार बंद कर दिया। तो भाई अब मुझे लगता नहीं कि मैं पढ़ूंगा कैसे अब मैं। हाँ वैसे यहाँ से पढ़ सकता है, बहाने बनाने को तो लाखों बहाने हैं, और पढ़ने वालों को तो मतलब पढ़ सकते हैं उन से भी, लेकिन फिर भी ये उनकी मुझे ऐसे करके अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो दैट्स इट, अभी कुछ इसमें रिलीफ मिलता है तो रात को आपको एक अपडेट और देता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। तो भाई फाइनली इस पे मुझे रिलीफ है थोड़ा सा, लेकिन जब ये मुझे लगा ना तो मुझे पता चला कि आपने एक्चुअली वो देखा होगा एक्शन सीक्वेंस में जहाँ पे हीरो विलेन के चाकू घुसेड़ देता है कहीं भी बॉडी पार्ट में, तो वो बेचारा बाहर निकालने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि जब तक ये चीज़ मेरे अंदर थी ना तो ये मुझे बड़ी ज़्यादा टिकल कर रही थी, और जैसे ही ये बाहर निकली वो वुडन का जो भी पार्ट था उसके बाद मेरा मतलब थोड़ा सा रिलीफ हुआ। तो द कॉन्सेप्ट इज दैट सिंपल।